हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। अब बज चुकी है 4:45 हो रहे हैं अभी, तो अभी हमारी चल रही है खाने की तैयारी। अब देखिए आप, तैयारी मैंने कर ली है। ये आलू उबाल लिए हैं, मटर भी उबाल लिए हैं, इसमें है हमारा थोड़ा सा लहसुन, और ये है प्याज, और अभी थोड़ी तैयारी बाकी है। अब हम बनाते हैं सब्जी। सब्जी बनाएंगे आपके लिए। अभी ये हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं गैस पर। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल। हमने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल अभी गर्म हो रहा है, इसको गर्म होने देते हैं। हमारे इधर की लाइटें भी जा चुकी है, तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा होगा आपको। कढ़ाई तो दिख ही नहीं रही होगी, अंधेरा हो गया है, लाइटें गई हुई है। बनाते हैं आपके लिए सब्जी। चलो अच्छा है, लाइट भी आ चुकी है। अब ये हमारा रोकी भी उठ गया है, ये घूमने जाने की तैयारी कर रहा है। उठ चुका है ये रोकी हमारा। रोकी बोलो हेलो दोस्तों। हाँ हाय, हाय बोलो, हाय बोलो। घूमने जाना है रोकी को, घूमने जाना है, घूमने जाएगा रोकी। आदि कहाँ गया? आदि कहाँ गया? बाहर घूम रहा है आदि। अब इसमें डाल देते हैं दोस्तों नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया। इसमें डाल के अब ये धनिया है, हमने ये मसाला मिक्स कर लिया है। ये सारा ये पक चुका है, लहसुन प्याज वगैरह। अब इसमें ये डाल देते हैं मसाला। थोड़ा पानी कम है, पानी भी डाल देते हैं इसमें। ये देखिए पानी हमने डाल दिया है। अब इसको पकने देते हैं धीमी आंच पे, मसाला पक जाता है। उसके बाद आलू मटर डाल देंगे। देखो धीरे धीरे आंच पे पक रहा है मसाला। अभी थोड़ा टाइम और लगेगा मसाला पकने में। जितना मसाला पकेगा सब्जी उतनी अच्छी बनती है, इसलिए दोस्तों मसाला ज़्यादा से ज़्यादा पकाना चाहिए। मसाला पकने के बाद हमारे ये रहे आलू, ये रहे मटर। आज टमाटर नहीं है हमारे पास, तो टमाटर नहीं डालेंगे। ये टमाटर भी डालते, ये दोनों डालेंगे आज। आलू और मटर की ही सब्जी बनाएंगे।
अब हमारा मसाला पूरी तरह तैयार हो चुका है दोस्तों, देखिए पक चुका है मसाला, फिर तेल ऊपर आ चुका है। मसाला पकने की यही पहचान है कि अगर तेल ऊपर आ गया मसाला पक जाता है। मसाला पक गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं, थोड़ा गैस को धीमा कर देते हैं। ये डालते हैं हम मटर, और ये डालते हैं आलू, ये डाल दिए हमने आलू, और इसको एक बार मिला देते हैं। इससे थोड़ा साफ नहीं आ रहा, इधर इधर देखिए, इसको हमने मिला दिया है, ये मिल चुका है। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे पानी, पानी डाल दिया है अभी। अब दोस्तों हमने डाल दिया है इसमें पानी, ये देखो सब्जी का कलर बहुत प्यारा है, ये देखो बनने के बाद बहुत टेस्टी लगेगी। ये सिंपल सादा, मतलब सादा तरीके से बनाई गई सब्जी है, इसमें कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं ना कुछ ज़्यादा तरीके से इसको बनाया गया है, सिंपल तरीके से बनाया गया है इसको। अभी बन के तैयार हो गई है, हो रही है, अभी उबली नहीं है। 5 मिनट इसको उबाल आने के बाद 5 मिनट उबालेंगे, उसके बाद हरा धनिया डाल के गैस बंद कर देंगे। अब हम लगा लेते हैं आटा। अब दोस्तों हम आटा लगा लेते हैं, सब्जी हमारी बन चुकी है, अब आटा लगा रहे हैं, आटा लगा लेते हैं, उसके बाद सब्जी और रोटी बनाएंगे, फिर आपको खिलाएंगे। अब हमारा आटा भी लग चुका है दोस्तों, देखिए ये आटा भी लग चुका है, ये हमारी सब्जी भी बन चुकी है, अब रोटियां बनानी बाकी है, रोटियां बनाएंगे। इसलिए आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मेरा मोबाइल का कुछ कैमरा भी थोड़ा ख़राब है, इसलिए थोड़ा ढंग से बन नहीं पाता है, लेकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये साधारण सब्जी अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। बाय बाय दोस्तों।